चलिए सियासत के बाद अब बात नोट राजा के कैश लोक की कर लेते हैं। आपने फिल्मों में नेताओं के घर रेड पड़ती देखी होगी और अकूत दौलत का अंबार निकलते भी देखा होगा। आज फिल्मी कहानी के असल कैरेक्टर का नोट गोदाम आपको दिखाना है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के उस बैंक की सच्चाई आपको बतानी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस लीडर और शराब टाइकून धीरज साहू के तीन ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 354 करोड़ रुपए की कैश बरामद की है। बेशकीमती गहने, जेवरात सब कुछ मिला है। साहू का व्हाइट हाउस भी आपको आज हमें दिखाना है। इसमें 30 लग्जरी कारें मिली हैं। कारों की कीमत करोड़ों रुपए है। लेकिन धीरज साहू के पास इतनी दौलत आई कहां से? कैसे उसने घर के अंदर नोटों का पहाड़ खड़ा कर दिया? राजा पर रेड की दो तस्वीरें, एक तरफ फिल्मी, दूसरी तरफ असली रेड। एक तरफ फिल्म में दीवारों से नोटों की बरसात, दूसरी तरफ रियल लाइफ का कैश लूट। नोटों से भरी अलमारियां, गहनों से भरे संदूक, नोटों से भरे 176 बैग, कमरे में ऊपर से नीचे तक करारे करारे नोटों की गड्डियां, ये नोटों के राजा का आलिशान नोट महल। कुबेर के इस खजाने का मालिक है झारखंड का कांग्रेसी सांसद धीरज साहू, जो अजय देवगन की रेड फिल्म का असली कैरेक्टर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तीन राज्यों में एक साथ नोटों के राजा धीरज साहू का कैश लोक का बाजा बजाने पर लगा है। रेड 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर पड़ी। 7 दिन की रेड में अब तक क्या क्या निकला, पहले ये बताते हैं, फिर साहू के व्हाइट हाउस की भव्यता और उसकी राजा महाराजाओं जैसी ठाट दिखाएंगे। अब तक 354 करोड़ रुपए का कैश मिला, करोड़ों रुपए के सोने चांदी के गहने मिले, 300 करोड़ से ज्यादा के नोट ओडिशा के बालनगर में मिले। सांसद धीरज साहू ने बालनगर वाले दफ्तर और घर अकूत दौलत छिपा कर रखी थी। इसे गिनने में इनकम टैक्स विभाग और बैंक अफसरों को 170 घंटों तक दिन रात पसीना बहाना पड़ा। 354 करोड़ रुपए गिनने में 7 दिन लगे। कैश गिनने के लिए 40 मशीनें दिन रात काम कर रही थी। 3 बैंकों के 80 स्टाफ मेंबर नोट गिनने के लिए लगाए गए। साहू के कैश लोक में इतना पैसा निकला कि इतिहास बन गया, क्योंकि एक ऑपरेशन में आज तक इतने पैसे कभी नहीं मिले। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का ये पुश्तैनी घर है जो झारखंड के लोहरदगा जिले में है। इसे यहाँ पर व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। उनका शराब का कारोबार करीब 100 साल पुराना है और ये सिर्फ ओडिशा और झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साहू परिवार की गिनती देश के 7 राज्यों में बड़े शराब कारोबारियों के रूप में होती है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में साहू के ठिकानों से जो रकम मिली उसका कंट्रोल रूम झारखंड का लोहरदगा है। लोहरदगा में धीरज साहू के आलिशान मकान की बानगी देखी। चमचमाती महल जैसी इमारत, ये साहू का महल है, नाम है व्हाइट हाउस। राजा महाराजाओं की तरह साहू के साम्राज्य में बेशकीमती चीजों का अंबार है। घर के बाहर महंगी और चमचमाती लग्जरियस गाड़ियां खड़ी हैं। हर गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। इनकम टैक्स विभाग इनकी भी खबर लेने पहुंचा, यहां भी 11 करोड़ कैश मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब यहां पर रेड की थी तब यहां से करीब 11 करोड़ रुपए बरामद किए थे। जानकार बताते हैं कि धीरज साहू के पिता बलदेव प्रसाद साहू ने अपने शराब के कारोबार की शुरुआत इसी पुश्तैनी घर से की थी। कैश का पहाड़ खड़ा करने वाले धीरज साहू की लग्जरी लाइफ से बड़े हैं उसके राजसी शौक और ठाट-बाट। चीते के साथ ये तस्वीरें साहू के कभी इसी व्हाइट हाउस में खिंचवाई थी। नोट राजा हथियारों का भी शौकीन है। ये तस्वीर व्हाइट हाउस में बने गार्डन की है जहां धीरज साहू पूरे टशन के साथ कंधे पर बंदूक रखकर खड़ा है। एक और तस्वीर देखिए, साहू रॉब के साथ बाघ के बगल में बैठा है। झारखंड में साहू के व्हाइट हाउस का ऐसे ही जलवा नहीं, इसमें 40 से ज्यादा आलिशान कमरे हैं, 10 बड़े मीटिंग हॉल्स हैं,
वीवीआईपी मेहमानों के लिए सुपर लग्जरी रूम तक है। नौकर चाकरों के लिए अलग कमरे बने हुए हैं, कई किचन और स्विमिंग पूल्स हैं। धीरज साहू की ठसक ऐसी है कि दशकों से देश के कई बड़े नेता, सीएम, डीएम, यहाँ तक कि फिल्म जगत की हस्तियां तक उनकी चौखट पर हाजिरी लगाने आती रही हैं। धीरज साहू के पिता बलदेव प्रसाद साहू खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। उनको जानने वाले बताते हैं कि जब भी इंदिरा गांधी यहां पर आती थी, इस व्हाइट हाउस में जरूर रुकती थी। लोहरदगा में एक और बात पता चली जो हैरान करने वाली थी। साहू के आलिशान घर का रंग पुश्तों से सफेद है। दुनिया की नजर में भले ही धीरज साहू करप्शन किंग हो, लेकिन इलाके में लोग इस परिवार को मसीहा मानते हैं। शुरू से ये जो है दानवीर रहे हैं। इंदिरा गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर थी, जब भी उनका झारखंड में दौरा होता था और इस घर में वो जरूर आती थी। लोहरदगा का जो इनका पुश्तैनी मकान है। कैश किंग धीरज साहू के पास कहां से कुबेर का खजाना आया, उसके पास और कितनी काली कमाई है, उसके गोदाम और कहां कहां है जहां नोट भरे हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग के साथ साथ सीबीआई और ईडी उसके कैश लॉग की बैलेंस शीट खंगाल रही है। साउ के व्हाइट हाउस की जमीन के नीचे क्या है, ये पता लगाने के लिए आईटी विभाग के अफसर जियो सर्वलांस सिस्टम की मशीनें लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। ये मशीनें जमीन के अंदर दीवारों में छिपाई गई धन संपदा का पता लगाती हैं। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साहू के बालंगीर वाले ठिकाने से 305 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। बड़े शहरों के आसपास के जितने भी बैंक हैं, कहते हैं उनमें इतना ज्यादा कैश नहीं होता जितना अकेले साहू के घर पर मिला है। अगर बैंक की कोई बड़ी ब्रांच हो तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए की रकम होती है। धीरज साहू पीयूष जैन से भी आगे निकल गए। कौन पीयूष जैन? दिसंबर 2021 में कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए मिले थे। जुलाई 2018 में तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन कंपनी से 170 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना मिला था, मगर साहू तो इन सब से कहीं आगे निकल गए। एक और बात, फाइलें धूल फांकती देखी होंगी आपने। हम अक्सर कहते हैं कि इस दफ्तर में फाइलें धूल फांक रही थी, लेकिन साहू के ठिकानों पर नोट धूल फांकते हैं। पहले साहू के नोटों के ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धूल झाड़ते हुए देख लीजिए, फिर उनकी हवेली भी दिखाएंगे। साहू फैमिली का ओडिशा वाला साम्राज्य कैसा है, वहां पर क्या क्या काम धंधा होता है और रोज की कमाई कितनी है? टेबल पर नोटों का ढेर लगा है, नोटों की हालत देखिए, ज्यादातर गड्डियों पर धूल जमी। इनकम टैक्स की टीम के अफसर कपड़ों से हर बंडल झाड़ रहे हैं। ये सुदुपड़ा इलाके में बनी बौद्ध डिस्कवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसी फैक्ट्री के बूते धीरज साहू लिकर किंग बना, यहीं से ये सारा कैश मिला है। कितने बड़े एरिया में ये पूरा जो कार्यालय है, जिसमें वेयर हाउस भी बना हुआ है, गोदाम बना हुआ है, जहां पर जो देसी शराब जो है वो इस कंपनी के अंतर्गत जो है वो बनाई जाती थी भट्टियों में, वो जो है वो आकर के यहां पर स्टोर होती थी। और बीते 6 दिसंबर को तड़के सुबह ही आयकर विभाग की टीम ने जो है वो यहाँ पर छापेमारी की, और यहीं से छापेमारी में जो है वो अलग अलग अलमारियों में जो नोटों की गड्डियां थी वो जो है वो यहां से बरामद हुई है। साहू की लिकर फैक्ट्री बेरोकटोक काम कर रही है। हैरानी की बात ये है कि 300 करोड़ इसी फैक्ट्री से मिला है, तो फिर ये सील क्यों नहीं हुई? रिपोर्टर फैक्ट्री में और आगे तक दाखिल हुआ, एक बड़े से लोहे के गेट पर छोटी सी जाली दिखी, इसके पीछे एक शख्स दिखा। कैमरा देखते ही वो चेहरा छिपाने लगा। 300 करोड़ रुपए अलमारी में रखे हुए थे, पता था तुम लोगों को? जवाब दे दो। अच्छा, कै दिन रेट चली ये बताओ। हमारी अगली मंजिल थी बालंगीर। ये वो गांव है जहां धीरज साहू की पुश्तैनी हवेली है। थोड़ी देर में मंजिल आंखों के सामने थी। 1954 में साहू खानदान ने ये हवेली बनाई थी, आज जर्जर हालत में है। धीरज साहू रेट से पहले कब यहाँ आया था,
78 साल के मिश्रा जी सब बता रहे हैं। शिलागढ़ से शायद पैसा आके यहाँ रहता था, मतलब ये हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस था सुतपड़ा। हाँ, चारों तरफ जो सेल है वो लोग, और बट्टी भट्टी का भी जो हमको पता था ये बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन इतना रहेगा, इतना पैसा है बोल के ये। इनसे मिलिए, ये सिद्धार्थ मिश्रा है, साहू परिवार की हवेली के ठीक बगल में रहते हैं, पेशे से वकील है। वकील साहब साहू परिवार के कारोबार और काली कमाई के बारे में क्या कुछ जानते हैं, इनसे ही सुन लीजिए। हमने कई बार जानने की कोशिश भी की, हमको पता भी चला कि ये सब जाता था वहाँ ऑफिस में, एक्साइज ऑफिस में संभालता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। तो हमने पूछा भी था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थ्रू RTI, क्या पूछा था कि हु इज राजेश साहू, व्हाट इज हिज आइडेंटिटी, मतलब यहाँ क्या है उसका बिजनेस, क्योंकि उस कभी हम वो जो कि हम यहाँ के पुराने निवासी हैं, तो हम क्या जवाब आया था, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस ऑफिस। धीरे साहू कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी माया का खेल ओडिशा से लेकर झारखंड तक चल रहा है और सारा देश इस माया के खेल को अपनी आंख से घर में बैठकर देख रहा है। धीरे साहू कौन है, बहुत कुछ तो आपको पता लग ही गया होगा, 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इससे ज्यादा पहचान एक मालामाल शख्सियत के तौर पर है साहू की। साहू को विरासत में क्या मिला, बिजनेस और अकूत दौलत। धीरे साहू के पिता बलदेव साहू जाने माने कारोबारी थे। बलदेव साहू ने कई कंपनियां खोली जिनका सालाना टर्नओवर कहते हैं 1000 करोड़ रुपए तक था। धीरे साहू ने स्कूल, अस्पताल और शराब के पारिवारिक धंधे को आगे बढ़ाया। 2018 के हलफनामे में उसने अपनी संपत्ति 35 करोड़ बताई थी सिर्फ। ये अलग बात है कि इतनी कम संपत्ति बताने वाला 354 करोड़ घर में ही रखकर बैठा हुआ था, और वो भी नगद। एफिडेविट में मतलब सफेद झूठ था। जितना पैसा साहू के पास मिला उससे तो शायद एम्स जैसा अस्पताल बन जाता, ना जाने गरीब बच्चों के लिए कितने स्कूल खुल सकते थे। हैरानी ये सोचकर भी होती है कि नोटबंदी के बाद काले धन और भ्रष्टाचार पर नसीहत देने वाले धीरे साहू के घर में जो अपना उसने एक बैंक खोल रखा था, उस पर वो क्या जवाब देंगे। अब ऐसी ही कुछ वजहें होती हैं जो पैसे वाले लोगों के राजनीति में आने पर ये सवाल खड़ा करती हैं कि अपने कर्मकांडों पर पर्दा डालने के लिए तो सियासत में नहीं जा रहा, ये सियासत की दुकान इसीलिए तो नहीं ज्वाइन की इसने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।